दोस्तों अभी मैं नीचे खाना खा रहा था और उमर भाई मुझे आके बताता कि हमारी ये गोल्डन फिश मर गई है, पता नहीं कैसे मर गई है। हाँ उमर भाई, यार अब बकर भाई हमारी जो बड़ी वाली गोल्डन फिश थी ना, हाँ मर गई है। मर गई है? हाँ दोस्तों ये रही हमारी गोल्डन फिश और हम लोगों ने कबूतर वाले रूम में रखी थी। उमर भाई बाहर लेके आना यार, गोल्डन फिश सुबह मैंने बिल्कुल ठीक देखी थी और ये रही हमारी गोल्डन फिश। ये चेक कर। ओहो मर गई। उमर भाई ये वाली मरी है, बड़ी गोल्डन फिश है। हाँ यार बकर भाई ये मर गई है। यार ये कैसे मर गई? यार मैंने सुबह इनको फीड डाली थी, बिल्कुल ठीक थी उस टाइम, दोनों फिशेस ठीक थी। ये देखिए यार हमारे बकर भाई, पानी भी चेंज किया था मैंने लेकिन पता उस टाइम ठीक थी। हाँ उस टाइम ठीक थी, मेल था और वो फीमेल थी, अभी मेल मर गया। यार ये देखे ना कि हमारी जो छोटी फिशेस है वो बिल्कुल ठीक है, इस वक्त खेल रही है, लेकिन बड़ी फिशेस में से एक फिशेस मर गई है। ये देखें यार। दोस्तों मैं नासर भाई को पहले ही कह रहा था कि अभी हम लोग फिशेस नहीं लेके जाते क्योंकि अभी हमारा तालाब नहीं बना हवेली सेटअप पे, तो उसे मैंने कहा था कि यार फिशेस रहने देते हैं। नासर भाई कह रहा था कि उतनी देर हम लोग गा रखेंगे, लेकिन यार फिशेस मर गया, अब इसका क्या करें। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना कि हमारी ये फिश कैसे मरी है। दोस्तों ये तीन मुर्गी अंडे पे बैठी है, एक वो सामने नज़र आ रही है और दो वो ऊपर देखे बैठी हैं, अंडे दे रही हैं। दोस्तों फिश अब हमारी मर गई है, फेंकने से अच्छा है कि हम लोग ये वाली फिश को अपनी बड़ी बतख के आगे डाल दें। तो वो रही जी सामने हमारी बड़ी बतखें, बाहर फेंकने से अच्छा कि ये वाली फिश हमारी डक्स खा लें। तो उमर भाई बड़ी डक्स के आगे डाल दें, देखते हैं कि हमारी बड़ी डक्स ये वाली फिश खाती है या फिर नहीं। उमर भाई इधर इधर उनके आगे, उमर भाई ना 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 हाथ से उमर भाई, ओए नहीं ये नहीं हाथ आती, वो देखो किस तरह से चली गई है। बंद कर जाके, ओए हो दरवाजा बंद करना पड़ेगा नहीं तो ये बाहर चली जाती है। उमर भाई आराम से यार पकड़ ले, आराम से पकड़ ले, आराम से हाथ आ जाएगी। पकड़ पकड़ पकड़, नहीं यार बतख पकड़ रहा कमीना, तेरा सा ही बतख। दोस्तों मैंने उमर भाई को कहा कि हम लोग ऐसी बतख को ये वाली फिश डाल देते हैं। उमर भाई कह रहा है कि पहले बतख पकड़ते हैं और फिर उनको खिलाते हैं। मैंने कहा कि ऐसे ही उनके आगे फेंक दो, वो खा लेगी। तो अभी उमर भाई ने बड़ी बतख पकड़ी है और मुझे नहीं लगता कि हमारी डक ये खाएगी। ये देखें खा ले। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये वाली डक हमारी खाएगी, नहीं खा रही। तो हमारी डक से ये वाली फिश नहीं खा रही, ऐसा करते हैं इनके आगे फेंक देते हैं, ये खुद ही खा लेगी। दोस्तों यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी इतनी प्यारी गोल्डन फिश थी मर गई। यार समझ नहीं चली मुझे कैसे मरी है, सुबह मैंने बिल्कुल ठीक देखी थी। यार अब हम तभी फिश ले कर आएंगे जब हमारा इधर तालाब बनेगा। इधर भक्तों के लिए तालाब बनाया है, इस साइड पर हम लोग फिश के लिए तालाब बनाएंगे, फिर हम लोग तभी ले कर आएंगे। यार ऐसे मर जाती है। दोस्तों वो देखे हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, हमारी मुर्गी को ये वाली आदत नहीं जा रही। हमारी मुर्गी या इधर अंडा देती है या फिर नीचे देती है, इन टोकरी के अंदर अंडा नहीं देती, ये वाला एक अंडा दिया ये लेके चलते हैं। दोस्तों माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हमारी मुर्गी ने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों अब मैं फिशेज का पानी चेंज करने लगा हूँ। ये रही इधर फिश है, मुकर भाई ये गोल्डन फिश पकड़। हाँ भाई, ओए आज हाथ किधर चली गई है, हाथ ही मुकर भाई जल्दी कर। गोल्डन फिश उतनी देर हम लोग ये वाले डब्बे में रखते हैं। मुकर भाई ये वाला पानी उधर फेंक दे। अभी ये वाले डब्बे के अंदर हम लोग नया पानी भरते हैं क्योंकि पहले हम लोग ने कल पानी भरा था, तो उस भाई ने कहा था कि एक दिन के बाद तुम लोगों ने पानी चेंज करना है। तो मैंने सोचा कि पानी चेंज कर देते हैं, एक तो हमारी गोल्डन फिश मर गई है, बहुत दुख हुआ है। तो अभी हम लोग तभी फिश ले कर आएंगे जब हमारा हवेली पे सेटअप बन जाएगा। मगर मैं लिया बस ठीक है, अभी इसके अंदर फ्रेश पानी भर देते हैं। अरे मगर मैं फिश कैसे मरी है यार? यार मुझे नहीं पता, मुझे लगता किसी ने पंगा किया। अब ऐसा कर ये तीनों निकाल इधर से और इस वाले बॉक्स के अंदर डाल। यार ये मैं छोटी नहीं पकड़ूंगा। यार छोटी तो क्यों नहीं पकड़ेगा, ये डर आ रहा है। ओए मुकर भाई छोटी आती नहीं आती, ये देखे छोटी सी है, इसको इधर डाल देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं पानी फेंक रहा हूँ और मुकर भाई ने आगे हाथ किया ताकि फिश इस हाथ के अंदर आ जाए। तो दोस्तों मेरा दिल कह रहा है कि गोल्डन फिश भी मैं इस डब्बे के अंदर ही रहने देता हूँ और जो हमारी चार छोटी फिश है वो भी इसके अंदर ही रहने देता हूँ। क्यों मुकर भाई रहने दो इधर ही? नहीं भाई नहीं, अलग अलग ठीक है। क्यों मुकर भाई? यार फिर वो लड़ेगी ऐसे। हाँ ये ना हो कि बड़ी जो गोल्डन फिश है वो छोटी फिश को खा जाए, ये बात मुकर भाई ने ऐसे किया। चल मुकर भाई बाहर फिर। अब मुकर भाई अभी नई फिश ले कब आना है? मुकर भाई अभी जब हमारा सेटअप कम्प्लीट होगा ना तब ले के आएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अभी रखने के लिए जगह नहीं है,
तो पहले भी एक गोल्डन फिश मर गई, मुझे लगता है किसी बच्चे ने पंगा किया इसीलिए मरी है। तो जब सेटअप बन जाएगा फिर ये ये कहता कहेंगे, फिर अच्छी केयर करेंगे। ये ओए ना, मर जाना मर जाना। ओए किला मुकरन रही भाई, इसकी जान पानी में है, है मछली जल की रानी है, जीवन जीवन उसका उसका पानी पानी है, है, हाथ हाथ लगाओ लगाओगे तो तो सड़ डर जाएगी, जाएगी। पानी में छोड़े के जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। मुकरन भाई ने पोएम गलत सुनाई है मुझे लगता है। मुकरन भाई नहीं भाई सही सही सुनाइए, सुनाई कमेंट है। कर लो। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना कि मुकरन भाई ने पोएम सही सुनाई है। दोस्तों फिश का हम लोगों ने पानी चेंज कर दिया, आप फिश को खुराक भी डाल देते हैं। तो ये हम लोग खुराक लेके आए हैं, बिल्कुल मामूली सी खुराक डालनी है। यह पहले इसके अंदर है थोड़ी सी, मगर मैं इसीलिए कहा कि मामूली सी खुराक डाल, ताकि इतनी बहुत है, इतनी बहुत है, डाल दे। ऊपर से खाते बस ये। हाँ ये ऊपर से आके खाती है वो, देखे डालिया, अभी खाना स्टार्ट कर दिया है। देते हैं अब बकर भाई, जो फिश मार गया उसका क्या किया? बकर भाई वो मैंने बथू के आगे डाल दिया। वो खा लिया उन्होंने। हाँ अब जो मरी थी वो मैंने बड़ी बथू के आगे डाल दी, तो मुझे लगता है कि बड़ी बतखों ने अब खा ली होगी। तो माशाल्लाह जी, हमारे सारे कबूतर इस टाइम, इन फ्रेम का में बहुत फ़ायदा हुआ है कि कबूतर अब इनके ऊपर ही बैठते हैं, नहीं तो पहले नीचे रहते थे, अब देखे कि इनके ऊपर बैठे। दोस्तों ये पीछे हमारी बेरी है, तो इसके ऊपर फल लग चुका है, जिसे बूर कहते हैं पंजाबी में, हाँ वो भाई लग चुका है। तो अभी इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर अंदर है इसके ऊपर मोटे ताज़े बेर होंगे। बेर इसके ऊपर बहुत मज़े के होते हैं। और इधर आज ये हमारा जामुन, जामुन के ऊपर भी बहुत मज़े के जामुन लगते हैं। वो कर मैं फिर तू बेर खाएगा? हाँ भाई खाऊंगा, ये मुझे पकड़ा दे। ये चेक करो भाई, पोलिनेशन हो रहा कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये चेक करो। ये देखिए इधर शहद की मक्खी बैठी है। दोस्तों रात का टाइम हो चुका है और हमारी सारी मुर्गियाँ इन फ्रेम के ऊपर बैठी हैं। ये देखें उधर वो ऊपर बैठी हैं, नीचे एक भी मुर्गी नज़र नहीं आ रही। ये देखें आधी मुर्गियाँ ये वाले फ्रेम के ऊपर बैठी हैं, आधी मुर्गियाँ वो उधर बैठी हैं, और आधी मुर्गियाँ वो टोकरी में बैठी हैं। 25 की 25 मुर्गियाँ इस टाइम ऊपर बैठी है, नीचे एक भी नज़र नहीं आ रही, एक भी मुर्गी। दोस्तों यही इन फ्रेम का फ़ायदा है कि रात को हमारी मुर्गियाँ इन फ्रेम के ऊपर बैठ जाती है। कबूतरों ने भी सेम यही काम किया है कि रात को फ्रेम के ऊपर बैठ गए हैं। दोस्तों मैं और अबू बकर भाई छत पे आए, देखा कि हमारी दूसरी फिश भी यार मर गई है। अबू बकर भाई बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ यार। नासिर भाई दोनों गोल्डन फिश मर गई, पता नहीं कैसे मरी है। दूसरी फिश थी वो बिल्कुल ठीक है अबू बकर भाई। हाँ छोटी फिश बिल्कुल ठीक है, लेकिन गोल्डन फिश दोनों मर गई हैं। यार अबू बकर भाई ये क्या हुआ, ये तो हमें मिली भी महंगी थी। हाँ यार ये देखो समझ नहीं चली, पता नहीं कैसे मर गई है यार। दूसरी फिश भी दिखाओ अबू बकर भाई। नासिर भाई गोल्डन दोनों मर गई हैं। नहीं दूसरी जो छोटी छोटी, हाँ वो चारों के चारों जिंदा है। अबू बकर भाई ये दिखाना, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारी गोल्डन फिश थी वो दोनों मर गई है। दोस्तों गोल्डन हमारी फिश मर गई, इतनी प्यारी हमारी फिश थी लेकिन वो मर गई। अबू बकर भाई अब क्या करना है यार, हम लोग नहीं लेके आएंगे, ये कलरफुल थी। नहीं ना सर भाई अब नहीं लेके, नहीं जब आके नहीं, जब सेटअप बन जाएगा फिर लेके आएंगे यार। हाँ भाई ये तो मर गई अब। और कबूतर चेक करें जी, धूप सेक रहे हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे कबूतर, सारे धूप सेक रहे हैं। और बाकी कबूतर बकर भाई बाकियों को बाहर निकालो, चलो तुम भी बाहर चलो जल्दी से, ये भी जाएंगे जल्दी से बाहर। चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो 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 चलो। इनके डब्बे भी हम लोग ऊपर लेके आए थे, अब ये यहाँ पे अंडे लेंगे। चलो चलो नीचे, अब बकर भाई साइड पे हो जाए यार। चलो 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 चलो, इधर बाकी कबूतर धूप सेक रहे हैं, ये भी इधर धूप सेक रहे हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी इस तरह के मज़े के व्लॉग आते रहेंगे। कब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।